आज है मंडे और एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मंडे मोटिवेशन स्टोरी। मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला और मैं हूँ एक माइंड एंड मेमोरी कोच। और आज मैं आपके साथ जो एक स्टोरी लेके आई हूँ उसका नाम है द किंग एंड द रोड ब्लॉक्स। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी, मगर उससे पहले मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दे और एक बेल आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको मेरे रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहें। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक समय में एक राजा हुआ करता था। उसने एक दिन सोचा, क्यों ना मैं अपनी प्रजा का एक छोटा सा एग्जाम लेता हूँ। उसके राज्य में एक बड़ी सी रोड थी जहाँ पर दिन भर बहुत सारे लोग आया जाया करते थे। उसने सुबह सुबह उस रोड पे बड़े बड़े कुछ पत्थर रख दिए और खुद एक जगह छुपकर देखने लगा। जैसे ही थोड़ा दिन चढ़ना स्टार्ट हुआ, लोग आने जाने लगे। कई लोग आए और कई गए। उन्होंने पत्थर देखा और सिंपली अपना रास्ता बदल लिया। उनमें से कुछ लोग इन पत्थरों को देख के बहुत इरिटेट हुए, बहुत गुस्सा आया उनको। वे राजा को ब्लेम करने लगे कि वो राज्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। रोड बंद हो गई है, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पर राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब लोगों ने काफी गुस्सा दिखाया, कंप्लेंट करी, मगर किसी ने भी उन पत्थरों को हटाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सोचा कि ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो राजा की है ना, इस सिचुएशन में वो कर भी क्या सकते हैं। राजा ये सब एक जगह छुपकर देख रहा था और अपनी प्रजा को ऐसा रिएक्ट करता देख उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, काफी निराशा हुई उसको कि कोई भी कुछ कर नहीं रहा। क्रिटिसाइज तो बहुत लोग कर रहे हैं मगर कोई कुछ काम नहीं कर रहा। राजा ऑलमोस्ट डिसअपॉइंट हो चुका था और वो जाने ही लगा था, तभी वहां पर एक किसान आया। उस किसान के पास उसकी बहुत सारी सब्जियां थी जो वो लेकर आ रहा था खेतों से। जब उसने देखा कि रोड पर पत्थर गिरे पड़े हैं जिसके कारण रोड ब्लॉक हो रही है, तो उसने अपनी सब्जियां एक जगह रखी और पत्थरों को वहां से हटाने लगा। काफी देर की मेहनत के बाद उसने सब पत्थर वहां से हटा दिए और फिर अपनी सब्जियां लेके जाने लगा। तभी उसकी नजर एक पर्स पर पड़ी जो बिल्कुल उसी जगह पड़ा हुआ था जहां पर पहले पत्थर थे। उसने पर्स को खोला तो उसमें बहुत सारे सोने की अशर्फिया और एक लेटर था जिसमें लिखा था, ये उस व्यक्ति के लिए इनाम है जो इन पत्थरों को रास्ते से हटाएगा। सहप्रेम यहाँ का राजा। तो इस कहानी का मोरल ये है कि जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो आप कंप्लेंट और ब्लेम कर सकते हैं। आप ऐसा करने में अपना समय खराब कर सकते हैं, टाइम वेस्ट कर सकते हैं, मगर उससे कुछ भी नहीं बदलेगा। लाइफ में अक्सर हमारी जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो इन्हीं रोड ब्लॉक्स के रूप में आती हैं। और जब आप इन प्रॉब्लम्स पर वर्क करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मैजिकल रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। आप इन ऑब्स्टिकल्स को अपनी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ये थी आज की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हर मंडे मैं आपके लिए लेके आती हूँ मंडे मोटिवेशन स्टोरी। इसके साथ मेरे चैनल पे आपको मिलती हैं बहुत सारी इंस्पिरेशनल वीडियोस, मेडिटेशन ऑडियोस। तो मेक श्योर आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स में इसको शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।